सो फाइनली दोस्तों औरों में कहां दम था का टीजर को लेकर फिर से बहुत बड़ी न्यूज आई है। भाई अजय देवगन की फिल्म 5 जुलाई 2024 को आ रही है, ज्यादा टाइम बचा नहीं है, एक महीने के आसपास का टाइम बचा है। लेकिन दोस्तों कैंस फिल्म फेस्टिवल के अंदर अजय देवगन की नई फिल्म स्टार्ट विथ तब्बू, भाई साहब टीजर क्यों नहीं आया? लोग कमेंट कर रहे हैं रवि सर टीजर क्यों नहीं आया, क्या हो गई बात है? 17 मई को टीजर आना था और सारे बड़े बड़े बॉलीवुड के जितने भी पोर्टल्स हैं, जितने भी न्यूज़ हैं, सबको मैंने पढ़ा, सबने बोला था कि कैंस फिल्म फेस्टिवल के अंदर जो है दोस्तों इसका बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया जाएगा, पहली झलक दिखाई जाएगी और वहाँ पर अजय देवगन और तब्बू भी नजर आएंगे। लेकिन मैं क्या देख पा रहा हूँ भाई, कैंस फिल्म फेस्टिवल के अंदर जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ, सिर्फ मुझे राय बच्चन दिखी, इसके अलावा बॉलीवुड का कोई भी स्टार नहीं दिखा दोस्तों, सारे के सारे हॉलीवुड के स्टार दिखे। एंड मुझे समझ नहीं आ रहा कि दोस्तों क्या ये खबरें जो फैल रही थी क्या ये झूठी खबर थी, टीजर इस महीने आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या पंगा है, सारी खबर बताऊंगा दोस्तों। देर किस बात की, अपने भाई को सब्सक्राइब कर लो, रवि चौधरी को प्यार दो, घंटे का बेल आइकन जरूर दबा देना अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों नीरज पांडे के डायरेक्शन में ये फिल्म बन रही है औरों में कहां दम था और इसकी शूटिंग वगैरह सब कुछ कंप्लीटेड है। आपको बता दूं कि इसमें तब्बू है, इसके अलावा अजय देवगन है, इसमें साई मांजरेकर भी है, शांतनु महेश्वरी भी है आई गेस, एंड तमाम बड़े बड़े स्टार कास्ट हैं। इस फिल्म की कहानी दोस्तों मैंने बताया था कि बहुत ही रोमांचक है, रोमांस पर आधारित है। सन 2002 से लेकर 2023 के आसपास लगभग 23-24 सालों का एक सफ़र दिखाया गया है। चाणक्य नीति के आधार पर भी फिल्म बनाई गई है, काफ़ी एक बेहतर रोमांटिक मूवी होने वाली है। एंड जब जब तब्बू साथ होती है देवगन के, ऐसी फिल्में दोस्तों बॉक्स ऑफिस पे हमेशा एक अच्छा नंबर चूज करते हैं। इनकी ओपनिंग बड़ी सॉलिड होती है, चाहे मैं भोला की बात करूं, दृश्यम 2 की बात करूं, दृश्यम 1 की बात करूं, ठीक है। सो दोस्तों अभी अजय देवगन की और भी फिल्में पाइपलाइन में, सिंघम अगेन की शूटिंग अभी फाइनली थोड़ी कंप्लीट हुई जो अधूरा रह गया था, इसके अलावा दे दे प्यार 2 करके भी मूवी आ रही है, रेड मूवी जो है वो रेड 2 वो भी आ रही है, इसके अलावा दोस्तों सिंघम अगेन आ रही है। इस साल 3-4 फिल्में आ ही रही है ऑलमोस्ट, और 2 फिल्में ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है। शैतान चुपके से आई, चुपके से ब्लॉकबस्टर हो गई। मैदान आई, मैदान की प्रमोशन अजय देवगन नहीं की, वो फिल्म भी दोस्तों लोगों को बेहद पसंद आई। हालांकि कलेक्शंस इतने अच्छे नहीं आए, बट कलेक्शंस देखा जाए तो काफ़ी अच्छे थे एक तौर पे। लेकिन दोस्तों अब ये फिल्म औरों में कहां दम था, जिसकी बुक माई शो पे मात्र 2200 के आसपास का इंटरेस्ट है। ये फिल्म 5 जुलाई को आ रही है, देखा जाए तो लगभग 1.5 महीना बाकी है इस फिल्म को रिलीज होने में। और अभी तक अजय देवगन ने कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट ये नहीं रिलीज किया है कि भैया इसका टीजर कब आएगा, ऑफिशियली टीजर का कुछ ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि जितने भी बड़े बड़े पोर्टल्स थे उन्होंने बोला था कि टीजर कैंस फिल्म फेस्टिवल में आएगा, बट कैंस फिल्म फेस्टिवल में हमें पता है क्या देखने को मिला, ऐश्वर्या राय का मोटा मोटा बड़ा बड़ा चेहरा देखने को मिला, मिक्सअप विथ राखी सावंत का फेस और लारा दत्ता, मतलब कुल मिला के ऐश्वर्या राय तो काफ़ी ट्रोल हुई, हमें ऐश्वर्या राय की झलक देखने को मिली, लेकिन औरों में कहां दम था वो नहीं देखने को मिला। सो दोस्तों औरों में कहां दम था का टीजर कब तक आ सकता है? देखो यार, इस फिल्म को मैंने बताया था आपको कि इसका टीजर जो है 17 से लेकर 23 मई तक, मई के बीच कभी भी आ सकता है। अब अभी भी 18 तारीख है, उम्मीद 23 तारीख तक, नहीं तो दोस्तों मई के लास्ट वीक में पूरा उम्मीद किया जा रहा है कि टीजर पोस्टर या टीजर झलक तो आए। अजय देवगन की फिल्म कैसी होने वाली है एक झलक देखने को हम सब अजय देवगन फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ साथ बात करूँ दोस्तों, जून में 1 महीना पूरा बाकी है, एडवांस बुकिंग खुल जाएगी लगभग 1 जुलाई से, उससे पहले दोस्तों 1 महीना बाकी है। और उस 1 महीने में दोस्तों अगर अजय देवगन ने प्रमोशन नहीं की, क्योंकि दोस्तों बता दूं कि जून स्टार्ट हो जाएगा, जुलाई 5 को फिल्म आ रही है, जून में 2 बड़ी फिल्में आ रही है, 27 जून को कल्की आ रही है एंड 14 जून को चंदू चैंपियन आ रही है। और आपको बता दूं कि बैक टू बैक हर हफ्ते फिल्म आ रही है, ऐसे में अजय देवगन को दोस्तों काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन करना पड़ेगा औरों में कहां दम था। हालांकि शैतान में नहीं किया, शैतान ब्लॉकबस्टर हो गई, मैदान में भी इतना नहीं किया था, मैदान में कहीं ना कहीं अजय देवगन चूके, अगर प्रमोशन करते तो और भी बेहतर रिजल्ट आता। लेकिन मुझे लगता है कि अब शायद अजय देवगन को कमर कस लेनी चाहिए और इस फिल्म की प्रमोशन जोरों शोरों से करनी चाहिए, क्योंकि इस बीच कल की बहुत बड़ी फिल्म है, चंदू चैंपियन बहुत बड़ी फिल्म है एंड अजय देवगन को लिटरली इन 2 फिल्मों को अगर आगे निकलना है तो कहीं ना कहीं भाई साहब इन 2 फिल्मों को पीछे छोड़ना होगा, इसकी प्रमोशन जम शम कर करनी पड़ेगी, बढ़ा चढ़ा कर करनी पड़ेगी।
और ये नहीं किया तो दोस्तों इसका वही हाल होगा जो मैदान का हुआ है, लिटरली बताऊं। क्योंकि अगर फिल्म का बजट ज़्यादा हुआ तो फिल्म कलेक्शन नहीं कर पाएगी एंड लोग इसको फ्लॉप बोलेंगे, और लोग ये हेटर लोग ट्रोल भी कर रहे हैं कि अजय देवगन की ये औरों में कहाँ दम था, एक नई फिल्म जो है एक और फिल्म फ्लॉप की कैटेगरी में है, जो कि मुझे नहीं लगता क्योंकि ये फिल्म की कहानी बड़ी लाजवाब, इसकी स्टोरी बड़ी अच्छी है। तभी अजय देवगन ने दोस्तों इस फिल्म को साइन किया और बनाया है, इसका प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन सब कुछ कंप्लीटेड है। जो दोस्तों अभी भी मुझे उम्मीद है कि मई के एंड में इसका टीजर आएगा, जून में दोस्तों इसकी प्रमोशन चालू हो जाएगी एंड आपको बता दूं कि इसके सॉन्ग्स आने शुरू हो जाएंगे अजय देवगन की इस मूवी को, जो नीरज पांडे ने इसको डायरेक्ट किया। 1 जुलाई से एडवांस बुकिंग जैसे चालू हो जाएगी दोस्तों, हमें इस फिल्म को कम से कम भी शैतान से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम इसको प्रमोट करना है, और अजय देवगन की फिल्म ये आई विश दोस्तों फिंगर क्रॉस के शैतान से ज़्यादा कलेक्शन करे। सो बल दोस्तों देखो यार अभी भी औरों में कहाँ दम था कि हाइप तो बनी हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पे इस फिल्म को कोई प्रमोट नहीं कर रहा, क्योंकि आपका भाई रवि चौधरी ही अजय देवगन को फुल सपोर्ट कर रहा है। जिन लोगों को सपोर्ट नहीं करता आपका भाई फुल सपोर्ट करता है एंड आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो। सो दोस्तों आर यू एक्साइटेड फॉर द औरों में कहाँ दम था? दोस्तों फिल्म को पूरी सपोर्ट करनी है इस मूवी को, अजय देवगन को, क्योंकि जब तक हम सपोर्ट नहीं करेंगे दोस्तों ये फिल्म जो है एक बॉक्स ऑफिस नंबर नहीं ले पाएगी। आई बिलीव दोस्तों आप मुझे सपोर्ट करोगे, इस फिल्म को सपोर्ट करोगे, ये फिल्म बेहद ही खास होने वाली है। लाइक कमेंट करो एंड दोस्तों अजय देवगन फैंस, सनी देओल फैंस, सभी फैंस लोग कमेंट करके लाइक करो वीडियो को और एडवाइस दो मुझे, क्या आप मेरे साथ हो, क्या औरों में कहा दम था का टीजर के लिए आप बेसब्री से पागल हो, कमेंट करके बताओ। थैंक यू सो मच दोस्तों, वेटिंग फॉर न्यू एक्साइटिंग टीजर दोस्तों, और ये टीजर लगभग 1.5 मिनट का आने वाला है जिसमें कहा जा रहा है कि आप अजय देवगन और तब्बू के रोमांस भरा ड्रामा देखने को मिल सकता है। तो मैं आई एम वेटिंग, वी आर वेटिंग अ बिगेस्ट लोडिंग टीजर दोस्तों। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट लाइक करके बताना आर यू एक्साइटेड फॉर द ग्रैंड टीजर दोस्तों। थैंक यू सो मच, और क्या अजय देवगन को प्रमोशन अब चालू कर देनी चाहिए ये भी बताओ, और क्या अजय देवगन की मैदान मूवी में जो इसमें नहीं करनी चाहिए, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा क्योंकि आपके कमेंट से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।